कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोग तमाम तरीके के उपायों पर परहेज कर रहे हैं। घर में रहते ही हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। चिकित्सकों का मानना है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ा लिया जाए तो कोरोना वायरस जैसे कई वायरसों से मुकाबले के लिए अपने शरीर को कुछ हद तक तैयार किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सक और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर विमला मेहरा अपने ही घर पर एक आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार कर रही हैं। डॉक्टर विमला मेहरा ने बताया कि कोरोना या अन्य वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके लिए डॉक्टर मेहरा अपने ही घर पर एक आयुर्वेदिक काढ़ा बना रही हैं, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ और बूटियाँ जड़ी ये सारी शामिल है। उनके द्वारा यह काढ़ा बनाकर वितरित भी किया जा रहा है। ये जो काढ़ा आयुष विभाग की तरफ से पिलाया जा रहा है, किस तरीके की योजना है और किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? ये आयुष विभाग के द्वारा अभी पूरे होशंगाबाद जिले में काढ़े के रूप में, रोग प्रतिरोधक क्वाथ के रूप में सभी लोगों को दिया जा रहा है। इसमें त्रिकटु चूर्ण है और संशमनी बटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग सभी शहरवासियों को और ग्रामवासियों को ये दे रहे हैं। त्रिकटु चूर्ण का हम लोग यह काढ़ा बनाकर सभी लोगों को रोज डेली दे रहे हैं। इसमें तीन प्रकार की औषधियाँ मिली हुई हैं और इसका बनाने का तरीका ऐसा है कि जैसे एक लीटर पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें एक चम्मच ये पाउडर डालना होता है और 8 से 10 पत्तियाँ इसमें तुलसी की डालनी होती है। फिर इसको एक निश्चित फ्लेम पे, कांस्टेंट फ्लेम पर इसको हम लोग उबालते हैं जब तक कि पानी आधा लीटर नहीं रह जाता। जब पानी आधा लीटर रह जाता है तो उसके बाद हम इसको साफ बर्तन में साफ कपड़े से छानकर, जब वो गुनगुना रहता है तब हम सभी लोगों को ये पीने के लिए दे रहे हैं। और इस काढ़े से लाभ ये है कि इस काढ़े को पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण हम किसी भी संक्रमण से काफी हद तक हम बच सकते हैं। इसलिए ये जो अभी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, इसमें हमारी ये कोशिश है कि प्रत्येक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो, ताकि इस संक्रमण से हम काफी हद तक बच सकें और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पूरे होशंगाबाद जिले में काढ़े के रूप में या फिर पाउडर और गोली दे दी जा रही है। और उनको काढ़ा बनाने की मेथड हम बता देते हैं तो घर पे भी वो लोग बनाकर पी।